हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पायवट चार्ट। जैसे मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में बताया था, इससे पीछे वीडियो मैंने डाला है पायवट टेबल के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया कि किसी भी डेटा के ऊपर हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमारा यही डेटा था जिसमें मैंने बताया था टेबल बनाना, कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, कैसे उसमें स्लैशर यूज करते हैं। टेबल में हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मुझे अमाउंट चाहिए था, ठीक है, नॉर्थ का, साउथ का, प्रोडक्ट वाइज। इसमें में क्या है कि मेरे को उसी डेटा का चार्ट बनाना है। अमाउंट में क्या होता है कि आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप चार्ट बनाते हो तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमारी बहुत ही अच्छी होती है, जो लोगों को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको वीडियो लेके आया हूँ तो इसमें मैं बताऊँगा आपको कि पायवट चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा है डेट का कॉलम, ठीक है, ये हमारा नेम का कॉलम, ये हमारा स्टेट का कॉलम, ये हमारा प्रोडक्ट का कॉलम, ये हमारा जून का कॉलम, ये हमारा अमाउंट का कॉलम। हम चाहते हैं कि इसका एक चार्ट बनाएं, ठीक है। देखते हैं चार्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, आपको जाना है पायवट टेबल और यहाँ पायवट चार्ट, ठीक है। पायवट चार्ट हम लोग अच्छा रहेगा कि हम दूसरे सीट पे बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पायवट टेबल बनाना था कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कैसे बनाते हैं, ठीक है, अब मैं बताऊँ न्यू वर्कशीट पे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करो, ये हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट है, यहाँ पूरा देख सकते हैं आपका डेटा पूरा सेलेक्ट है, न्यू वर्कशीट देन ओके, ठीक है। यहाँ आपका बनेगा टेबल और यहाँ बनेगा आपका चार्ट। इस चार्ट को हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर, और इसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट में हम अलग अलग तरीके से चार्ट बनाना सीखेंगे कि किसका क्या इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्समैन का नाम, यहाँ पे मैंने नेम पे क्लिक किया और यहाँ अमाउंट पे क्लिक किया, तो इसमें पता चलेगा कि चार्ट से कि हमारा कौन से सेल्समैन सबसे ज़्यादा सेल किया है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन सा सेल्समैन ने कितना सेल किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका बड़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सेल किया है वह रमेश किया है, ठीक है। इसी में हम देखना चाहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से स्टेट में हुआ है, तो यहाँ आप स्टेट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल हमारा बिहार में हो रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन से जोन में कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम जोन भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है हमारा बिहार में नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ ये हमारा ये बिहार में है ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, और दिल्ली में हमारा है, दिल्ली में क्या है जी, ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया आपका पूरे के पूरे बिहार का, ये हो गया हमारा दिल्ली का। यूपी में कौन सा जोन है, डेटा पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेटा हमारा यहाँ बना हुआ है यूपी में, हमारा ये यूपी में आपका ये जोन हो गया है थोड़ा गलत, इसे आप कैसे सही करोगे। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सेलेक्टेड एरिया है ये हमारा है ना, इसमें हम ये जो भी है, मैंने आपको रिप्लेस बताया था कि कैसे हम रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ कंट्रोल एच यूज करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ यूपी टाइप किया वहाँ वहाँ हम लिख देते हैं नॉर्थ, ठीक है, रिप्लेस ऑफ, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो पीछे जो है ये वाला, अब हम इसे क्या करेंगे, जो भी हमारा वो डेटा था, जैसे हमारा चार्ट गलत आ रहा था, ठीक है, इसमें नहीं दिखा दे रहा था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ होगा रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है, इसे आप रिफ्रेश डेटा करेंगे। रिफ्रेश डेटा करने के बाद देखिए, अब हमारा रिफ्रेश भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेस, जोन, अभी भी कुछ डेटा में शायद ये पूरा यूपी में नॉर्थ, यूपी में मुझे देखना है नॉर्थ का, टेबल वाला डेटा था, कंट्रोल एच नॉट, ओके,
चार्ट पे आओगे, एक बार राइट क्लिक करो, फिर प्रेस करो, फिर हमारे जीवन में आओ। एक्चुअली क्या था, ये जो हमारा डेटा था, ये हमारा डेटा था पाइवट टेबल के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा डेटा था सीट टू में हमारा पाइवट चार्ट के लिए, तो पाइवट टेबल वाला मैंने चेंज किया था, पाइवट इसलिए उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, सीट टू में जो बनाया है चार्ट के लिए डेटा को मैंने चेंज किया। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारा ये चार्ट हमारा चेंज हो गया, ठीक है सर। हाँ जी, अब देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग चार्ट ले सकते हैं। हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में, ठीक है, सॉरी डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में आपको अलग अलग चार्ट दिखेगा, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ आप क्लिक करेंगे, पाई चार्ट भी बना सकते हैं। देखो हमारा इस तरह का चार्ट बनेगा। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके का चार्ट ले सकते हो, जैसा आपको पसंद है उस तरह से आप यहाँ पर चार्ट से बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी अलग अलग तरीके के डिजाइन आपको मिलेंगे, जिसमें कि परसेंटेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए कि इस चार्ट में आपको सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ का देखना है, तो नॉर्थ पे ही क्लिक करके आप यहाँ पर ये चार्ट बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप जैसे आप चाहते हो कि हमारा पूरा यूपी का ही सिर्फ दिखे, ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ यूपी का ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फोटो कर सकते हैं, इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं। चार्ट का डिजाइन आप अलग अलग तरीके से, यहाँ से आप डिजाइन पे आओगे और यहाँ पर डिजाइन पे अलग अलग जो भी आपको चार्ट लेना है वो आप चार्ट ले सकते हो। बार चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, बार चार्ट में आपका इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आपको कॉलम चार्ट लेना है, कॉलम चार्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ कि कलर दूसरा हो, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आप यहाँ से आप इसका अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर सी सी एक को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर हमारा सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ। अब ये हमारा सिर्फ कलर होगा, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम इस पर आएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट में, फॉर्मेट में हमारा ये हमारा, ठीक है। इसमें भी आप स्लाइसर यूज कर सकते हो, एनालाइज पे जाओगे, यहाँ पे आपको स्लाइसर दिखेगा, आप स्लाइसर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइसर का मैंने यूज पाइवट टेबल में भी बताया था कि स्लाइसर का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ओके। यहाँ आप जैसे कि आप देखना चाहते हो कि ये हमारा बिहार में अलग अलग है, अलग डेटा, इसमें हम नाम में देखना चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम देखना चाहते हैं, उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, हरी का क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम हरी पे क्लिक करेंगे। हरी के साथ सोहन का देखना चाहते हैं, तो हरी और सोहन में जो बेटर है हमारा वो आ रहा है आपका क्या, देखो यहाँ पे कलर भी इंडिकेट करेगा, ठीक है। हरी और मतलब ये हरी और सोहन का डेटा है, ठीक है, नॉर्थ में यूपी इस तरह से। अब यहाँ मोहन रमेश सभी का डेटा एक साथ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये हमारा चार्ट होता है। तो आप अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हो, स्लाइसर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एनालाइज पे आके आप यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करोगे, फॉर्मेट में आपका क्या होगा, आप ये सब कलर जैसे सीपी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिजाइन में आपके अलग अलग आके आप इसका चार्ट का जो भी डिजाइन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से ये जो आपका दिखाया रहता है वो फील्ड लिस्ट वो आपको नहीं दिखाई देता, राइट क्लिक करके आप सौ फील्ड लिस्ट आप यहाँ पे ला सकते हो। अगर मान लो यहाँ से फील्ड लिस्ट आपकी हट गई, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आप यहाँ कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे सौ फील्ड लिस्ट करो, तो आपका ये सौ फील्ड लिस्ट आ जाएगा, ठीक है जी सर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट बहुत ही अच्छा लगा। एक बार आप प्रैक्टिस करो, इसमें आपको किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर मैं टेबल को इस तरह से बनाना चाहता हूँ, चार्ट को अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना लेंगे। ओके, थैंक यू।